इस वक्त मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं यहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का पुराना दफ्तर भी इसी रोड पर है। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है मनीष सिसोदिया आ गए अरविंद केजरीवाल आएंगे। तो केजरीवाल आएंगे के नाम से इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जरा दिखाइए निशान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, ये होर्डिंग आपको दिखाई देगा, इस पर लिखा हुआ है केजरीवाल आएंगे। और देखिए, ना सिर्फ यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए हैं। आनंद पर्वत की बात करें, वहाँ पर शकूर बस्ती में, सदर बाजार में, और साथ ही साथ में कई जगहों पर बारह खंबा, तो ऐसे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े होर्डिंग जो हैं वो आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। देखिए, जैसे हाल ही में 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, तो इस मामले में अब आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से आबकारी मामले में पहले संजय सिंह बाहर आए फिर मनीष सिसोदिया बाहर आए, तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर बाहर आएंगे। और ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो ईडी का मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में जो सुनवाई है वो 23 अगस्त को होनी है। और इसको देखते हुए इस तरीके के जो बोर्ड हैं, जो होर्डिंग्स हैं, वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए हैं और उसको लेकर के कैंपेन भी लॉन्च किया है और नया नारा दिया। और नया नारा है मनीष सिसोदिया आ गए केजरीवाल आएंगे। और ये उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी, जिस तरीके से इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों को जमानत मिली, तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी ने नया कैंपेन लॉन्च किया है और इस तरीके की जो होर्डिंग है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। अपने सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी जी, मैं भारतवर्ष दिल्ली।